Oh, chicken reshmi kebab. Oh my god. Cheese smash burger. Oh, oh. Bun kebab ka bada bhai lag raha hai. Builder bhai bun kebab ka. स्वाद आया सारा रक्षा करा गए एक सेकंड में आपके कुछ हुक्के के फ्लेवर्स हैं तेरी माँ की वाला भी है पान एक तेरी माँ सॉरी यार एक... हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स की हाल चाल है दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम टू माय बर्थडे व्लॉग आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी बर्थडे है बल्कि ऑल्सो बिकॉज आज हम एक रेस्टोरेंट है और एक हुक्का लाउंज है शीश जिसको मैंने कवर भी करना है अपने व्लॉग के अंदर अभी बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारा हुक्का लाउंज है जब मैं बहुत देर से जा रहा हूँ और बड़ी अंदर मजे की वाइब्स है जो कि मैं आपको उधर जाके दिखाऊंगा और उनका खाना टॉप क्लास है उसकी वजह से माना जाता है लेकिन पहले हम जरा मेरी बर्थडे पे फोकस करते हैं क्योंकि मैं अभी ह्यूस्टन से वापस आया था ड्राइव करके तो फिजा ने मेरे लिए ये सारी डेकोरेशन की हुई थी 26 का हो गया हूँ मैं बाकी ये हैप्पी बर्थडे का लग गया इधर मेरा ठीक है होए 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 और फिर मेरे लिए स्कूल का बैग क्योंकि मैंने 2017 से पहली दफा कॉलेज गया था मैंने अपना बैग नहीं बदला था दुनिया में सब चीजें बदल ली मैंने फिर ये मेरे से पूछी तुम्हारा एनएमए में डीमन स्लेयर में फेवरेट कैरेक्टर कौन है मैंने कहा ये वाला तो उसने उसका ला के बेचारी को एनएमए का पता भी नहीं फिर ढूंढ के लेके आई है मेरे लिए अब बर्थडे कर लेते हैं चलो खा पहले भाई फिजा ये लो इसका मतलब समझते हो तुम अपशगुन हो गया लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स अभी तो हम छोटी सी बर्थडे कर रहे हैं घर में अभी मेन सीन है कि हमने शीश में जाना है वहां से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे आपको वहां के सारे शशके वगैरह दिखाते हैं खाना का भी फिर टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे सिनेमैटिक्स भी बनाएंगे फिर उनके एक स्पेशल एरिया जहाँ पे मैं अपनी बर्थडे प्लान करूँ जो उन्होंने ना स्पेशल एक सेक्शन बनाया हुआ है वहाँ पे प्ले स्टेशन 5 भी रखी हुई है वहाँ पे मेरी फिर बर्थडे भी थोड़ी सेलिब्रेट करेंगे तो आज का ब्लॉग इट्स गोना बी अ गुड ट्रीट यू गोना हैव अ लॉट ऑफ फन सो वी विल सी यू एट शीश अभी हम आगे शीश पे हुक्का लाउंज पे ठीक है तो जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सामने एंट्रेंस है ठीक है बड़ा एक कोजी सा मॉल बना हुआ है तो हमने कहा आज आपको ना यहाँ पे आगे घुमाते हैं अगर खाना शाना भी खिलाएंगे एक इनका वो स्पेशल रूम है वो भी आपको जाके दिखाएंगे जरा मतलब पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए काफी स्पॉट्स वगैरह दिए हैं उन्होंने ना यहाँ पे सो लाइक हाउ लॉन्ग इज दिस प्लेस ओपन हिंदी उर्दू बोल लेते बस फिर इसी में बात करते हैं ज्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे दैट प्लेस अबाउट जो वो सीक्रेट कॉर्नर आपने क्विक किया है वो हमने वो बनाया था कि प्राइवेट इवेंट के लिए आपका बर्थडे बनेंगे आप पता चले ठीक है हम कर लेंगे यहाँ पे फाइनल टेस्टिंग होती है बैठ के बन के इधर आता है और टेस्ट करके हम कस्टमर को भी जाते हैं कस्टमर को जाते हैं यहाँ पे आपके ये हुक्का वाला स्पॉट है ठीक है और वहाँ पे आपकी ड्रिंक्स बनती है ऑल नॉन अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अब टाइम आ गया है फूड रिव्यू का जो हमने प्रॉपर करना है मैंने साथ मेरे साथ है वली भाई और मेरे साथ है फिजा का फूड सारे हुक्का लाउंजेस में टॉप का ये तो सब कहते हैं बात ठीक है मैं रमजान में भी आया था पहले इन्हें बोल से नॉम इन्हें बहुत ग्रेट है सो फार आई एम वेरी एक्साइटेड वली भाई तुम एक्साइटेड हो कि नहीं जल्दी से बता दो बन कबाब है आप लोगों के पास ये क्या सीन है पाकिस्तानी स्टाइल वाला मतलब कि वो अंडे वाला बर्गर वो जो है पाकिस्तानी स्टाइल जो बन कबाब है इट्स मोर लाइक अ वेजी पैटी लेकिन मुझे अंडे वाला बर्गर वो नहीं अंडे वाला बर्गर उसका कॉन्सेप्ट अलग है एक ऑमलेट से लपेटा हुआ होता है उसका चिकन क्लब सैंडविच एक कर लेते हैं जी जरूर एक फिर बन कबाब कर लेते हैं एक स्मैश बर्गर कर लेते हैं चिकन रेशमी कबाब एक कर दें यार मेरी बर्थडे आज कोई अच्छी सी ड्रिंक बताओ कौन सी है इधर मैंगो मोहितो और लीची मोहितो ये हम टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं खाने के बाद ना फिर हम आपसे हुक्का मंगवाते हैं हुक्के के आपके बड़े फनी नाम है तो इस पे भी जरा बात करते हैं बस फिर लें जरा नाइस टू मीट यू यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज एक्चुअली आते हैं कोई ना कोई जाता ही है शीश पे हाँ कोई ना कोई जाता है जिनेंद्र विक्रम भी आया था एक दफा यहाँ पे और भी बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे कवालियां वगैरह भी होती हैं काफी ज्यादा ना और इनकी हर वेंसडे नाइट को ना यहाँ पे कोई ना कोई हल्का सा मिनी कॉन्सर्ट या म्यूजिकल परफॉर्मेंस करता है लेकिन तारीफें मैं तभी करूंगा जब खाना मुझे अच्छा लगेगा ये ऑनेस्ट ओपिनियन होगा ठीक है आउट ऑफ 10 रेटिंग देंगे पॉइंट्स में चाहे ओनर हमारा पीछे बैठा हो कोई मसला नहीं है इस दफा मैं इसलिए वली भाई को भी साथ ले आऊं सेकंड ओपिनियन के लिए और फिजा थर्ड हाँ फिजा थर्ड ओपिनियन के लिए ठीक है ये ज्यादा फूड क्रिटिक है ना ये शीश वाले थोड़ा लकी है मैं इनको उठा लाया हूँ ज्यादा कुछ कहेगा ना मैं पीछे चुट्टी काट दूंगा फिर
सीन ये कि हमारे पास आ गया है लीची का मोहितो एज यू कैन सी, एंड हमारे पास आ गया है मैंगो का मोहितो। छतरियां बड़ी प्यारी लगी हुई है, चेक करो भाई, और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी। और अभी स्टॉफ है तुम दे दो और अब आप जा सकती ड्रिंक लेकिन आप लोगों ने मंगवाई है, इधर दे दो, अब इसको नहीं मिलेगी ड्रिंक, तुझे मैं एंड में दूंगा ठीक है, ड्रिंक दूंगा। देख मेरा और फिजा का पहले टेस्ट टेस्ट, फिर वली भाई का लेते हैं एंड में, ठीक है? हमने चीयर्स नहीं किया। ओ हाँ, होय 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 होय, रिफ्रेशिंग। गर्मी लग रही है ना डैलस के अंदर, वो जाके खत्म हुई है, तो आई थिंक दिस ड्रिंक विल गो रियली गुड विद होका, क्योंकि होका के साथ ना ठंडी ड्रिंक्स आती हैं। 8.7 माय लीची, आई विल गिव इट लाइक 8। मुझे लीची लीची भी पसंद है। अच्छा, इट्स लाइक वेरी सटल, इट्स ऑथेंटिक, लेकिन ना थोड़ा ज्यादा स्वीट है फॉर मी। आई वुड स्टिल फेवर द मैंगो, आई थिंक लीची वाला आई वुड गिव लाइक 7.5, लेकिन मैंगो इज मोर स्वीटर, दिस इज मोर लाइक स्मूदी टेक्सचर। हां वो स्मूथ है, दिस इज मोर स्मूथ, और ये जो है ना ज्यादा कार्बोनेटेड है। तो भैया हम स्मूथ की तरफ जाते हैं क्योंकि हम हैं ही स्मूथ क्रिमिनल, ठीक है? मैं मैंगो को ज्यादा देता हूँ, मुझे मैंगो लेने की पीने की बहुत आदत है, ठीक है? सही हो गया, ये तो मुझे पता है। मैं म्यूइंग कर रहा हूँ पीछे। सरप्राइजिंगली बड़ा मजे का है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ मैंगो लग रहा है सारा इस छतरी का कमाल है। मैंगो से कोई मिलता जुलता टेस्ट है, देख येलो है मैंगो की तरह, नहीं पाइनएप्पल भी हो सकते हैं, पाइनएप्पल भी हो सकते। अच्छा ये पी जरा, हल्दी भी हो सकती है, नहीं 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 ये पी जल्दी, कुछ भी हो सकता वाह ये भी मजे का ये, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। हाँ देखा आदमी होगा ना वो क्लासिक, ये 8 है और ये 7 है। ये खुशबू कहाँ से आई है? ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से मेन्यू का अगला आइटम आ गया। तो ये हमारा आ गया बन कबाब आ गया, हमने फिजा को थोड़ी सी आज तक साइड पे कर दिया। जब खाने की आइटम आ गया साथ, इन्होंने हमें दिए आई थिंक चिप्स हैं, लेज हैं, तो वली भाई में ग्रीन रंग की चटनी भी है, तो चल भाई ग्रीन चटनी में डबो जरा। ये बन कबाब वही है ना, अंडे वाला बर्गर। बन कबाब इज कराची एंड जो अंडे वाला बर्गर है ना वो लाहौरी है, आई थिंक, आई कुड बी रॉन्ग, कमेंट्स में गालियां पड़ेंगी। चल खोल जरा से, एक ही चीज होती है मुझे नहीं पता इसके अंदर है। ओ चिकन रेशमी कबाब, ओह माय गॉड, शी स्मैश बर्गर, ओ हो। बन कबाब का बड़ा भाई लग रहा था, बिल्डर भाई बन कबाब का, बन कबाब बेचारा का मुलाजिम लग रहा उस बर्गर का, वो चेक तो करो जरा। चल खोल जरा से। एनीवे ये है बन कबाब, और जब तक तू खोलेगा ना तब तक वो बन कबाब कबाब हो जाएगा, जल्दी कर। इससे अच्छा मैं यूँ हाथ चौक मार के कर लेता आदि, तो पहले क्योंकि यूट्यूबर मैं और बर्थडे भी मेरी है, तुम लोग हो जो सी द बन कबाब कैसा रहा, वो बड़ा मजे का यार, कितना सॉफ्ट बन है, कह वाकई जेन्युइन है, ये तो जेन्युइन है, मुझे लगा मजाक में बन कबाब बना रहे हैं कोई, है ना अमेरिकनाइज कर रहे हैं चीज को। मैंने एक और जगह से बन कबाब खाया था सिएटल में, वो इतना अच्छा नहीं था, ये बहुत कमाल है, बहुत कमाल है यार। पर अच्छा मुझे एक चीज इसमें नहीं अच्छी लगी, इसमें मुझे अनियंस थोड़े ऑफ लगे हैं, अनियंस डालते हैं, अच्छे लगे हैं एक्चुअली। अच्छा तो मैं पेंडू उस मामले में, इसको मैं 9 दूंगा, 9 दोगे, मैं 8.5 दूंगा, आई थिंक माइनस अनियंस होते तो मे बी आई वुड गिव इट अ 9, बट इट्स प्रीटी गुड, बताए बगैर डालना चाहिए था। ये तुम एक बाइट खा तो सही, ये लो खाओ, जोड़ू है गुलाम। क्या करें सिम्स का, पास कर पास कर। अगर तुम ट्राई करके देखो, अच्छा लेकिन 7 है, आई वुड से 7.5। टिक्के का वो जो स्मोक वाला टेस्ट है ना, वो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, बट खाने के बाद ना आफ्टर टेस्ट कोई नहीं आ रहा, और ये हलाल है एक्चुअली सारा। हाँ इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पे। इसको हमने टाइटैनिक की तरह आधा कर दिया। तेरे जोक्स ये पार्ट कट कर देना, बहुत मार पड़ेगी। दिस इज द बर्गर दैट कम्स आउट, ठीक है, स्वाद आया, आ रहा रक्षा कर आ गए, एक सेकंड रुक। 9.3 स्ट्रेट अप, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा इतना बड़ा बर्गर है, मुंह में चला जाएगा कोई मसला नहीं। क्या दोगे तुम बर्गर का रिव्यू? बहुत अच्छा, आई वुड से 8 या मैं बन कबाब से कंपैरिजन कर रहा हूं, और मेरे अंदर का पेंडू कह रहा है कि वो ज्यादा अच्छा है। 9.5। अब लास्ट चीज इनकी है क्लब सैंडविच, इससे पहले मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है? अच्छा और हर चीज के साथ ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेंच फ्राइज देते हैं, बन कबाब के साथ उन्होंने नहीं दिए, हालांकि देने चाहिए उसका। एक्चुअली फ्राइज तो रियली गुड, ये तो मैं खाई नहीं कब से। वैसे बन कबाब के साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री गंदे तेल वाले फ्राइज देने चाहिए था। हाँ मैं भी वो सोचा था, कद्दू केचप वाले नहीं, नहीं जो मोबाइल ऑयल में पके हो, गाड़ी के इंजन ऑयल में पके हो, उसका फिर सही मजा आएगा। सैंडविच का टेस्ट ना काफी हद तक सैंडविच जैसा है, अच्छा मुझे लगा साबुन जैसा होगा, ये भी मजा आएगा एक्चुअली। It's actually very good. इनका मेन्यू ऐसे ही इतना, you know, सारी चीजें अच्छी होती है। ओवरराइटिंग है 10 रुपए काटो उसके। चीज डाली हुई है, लेटस डाला हुआ है, श्रेडेड चिकन है और आई थिंक ब्रेड है। आई वुड गिव इट 8, आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। अच्छा ब्रेड भी डाली हुई है।
लेकिन सबसे अगर मैं टॉप टू बॉटम यार मैं बड़ी मुश्किल फोकस कर रहा हूँ, सामने दिखाओ क्या हो रहा है कैमरे पे। यहाँ पे आपको ये भी मंजर मिलते हैं, यू नो, खाते खाते वक्त ऑर्डर करने लगे, खाना हमने खा लिया, मजा आ गया। तो यार आपके कुछ हुक्के के फ्लेवर्स हैं, एक है आपका दिल वाले जो मैंने पहले पिया हुआ है, बहुत मजे का हुक्का था वो। एक आपका है तेरी माँ की वाला भी है पान जी, वो है। हाँ जी, क्या उसकी इंस्पिरेशन क्या है? Like, I wasn't the one who came up with the origin name, but it's just a very cool name. I like it. सबका यही रिएक्शन होता है कि जब ये वाले पहली बार नाम पढ़ते हैं तो लाइक सबकी हंसी छूटती है और वो फिर ऑर्डर कर लेते हैं। That's a good marketing strategy. But एक तेरी माँ, सॉरी यार, किसी की माँ की पान, ठीक है, और एक वो कर दें गली वो, नहीं दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले। ओए होए होए होए, क्या थिक स्मोक आ रही है मेरे मुंह से। ये वाला जो शीशा ना, इनका बहुत पॉपुलर है, जो भी आता है ना यहाँ पे जरूर ट्राई करता है। यार ये वाला कौन सा आ गया भाई जान? तेरी माँ का पान। अच्छा, तेरी माँ का पान, इसकी माँ का पान, इसकी माँ का पान है। फ्री मार्केटिंग दे दी है। एक फेवरेट गाली है, उस पर आप हुक्के का नाम रख सकते हैं, तो कोई ना कोई तो मंगवा ही लेगा जो आपका ना चल रहा हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुक्का यही है, तो इसलिए इसका नाम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है। नॉट रखा है ना, आप जरा हुक्का एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ का पान ट्राई कर रहे हो, ठीक है, वेरी मिंटी स्वीट। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए आप कहते रिकमेंड कर सकते हैं? बेटर देन स्मोकिंग सिगरेट। नहीं, वैसे यहाँ पे देखो ना कितना अच्छा माहौल है। ये हम जो रूम है ना, ये बेसिकली इन्होंने अलग से बनाया हुआ है कि आप आके ना पार्टीज वगैरह यहाँ पे करो। प्लेस्टेशन 5 का भी इन्होंने हुकअप लगाया हुआ है, जो बच्चे आगे गेम्स वगैरह खेलें। फीफा के और टेकन के टूर्नामेंट्स भी होंगे, ये डैलस अब हो जाएंगे। यहाँ पे ना टूर्नामेंट्स हम करवाएंगे, ठीक है, इनसे बात करेंगे। टूर्नामेंट्स होगा, उस पर फिर यू नो थोड़ा सा विनर प्राइज भी वगैरह रखेंगे, साथ हुक्का एंजॉय कर सकते हैं। कौन सी गेमिंग लाउंज में आपको हुक्का और साथ वो मिलेंगे ना? ओके, व्हाट, व्हिच वन इज दिस वन? चीफ साहब की तो प्लेट भी बहुत बढ़िया है, ये दिखाना जरा। ये चीफ साहब पहले आर्मी में थे, अब हुक्के में बदल गए। मैंने कहा माँ जहाँ होती अच्छी होती है, ये माँ अच्छी है, माँ का प्यार अच्छा है। चीफ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? वीगो आ रही है, चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इनको मिलता है इस बात पे डिफेंस पे प्लॉट। I have very high expectations from hookah because I make hookah at home. 7.5. Yeah. For outside hookah is really good. Acha, mamu, aapko chief saab nahi pasand hai? Kya review? Like maybe 4. यार क्या बात करो, इतना मजे गए तो। Yes, so good. ये तो भाई elite taste है कोई। 9.5. I think that's the best hookah I've ever tasted. ओए ओए ओए, कितना यूनिक टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है, लाइक ये परफ्यूम्ड है। मुझे लग रहा है वो उन्होंने छिड़के मारे हैं परफ्यूम के थोड़े थोड़े। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत यूनिक है, अच्छा है। क्या देगा? मैं 9.5 दें इजीली, आई वुड से 9+। ये तेरी माँ है। ये है तेरी माँ। ओ भाई, तेरी मेरी माँ एक ही है, बात तो सही है। मुझे दोनों अच्छे लगे एक्चुअली, दोनों ही जितने हैं। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your. इन्होंने हमें गिफ्ट दिया, कह रहे बार्बी की डॉल भी हो सकती है इसमें। वैसे ये टेक्सास है, उसमें राइफल भी हो सकती है। हाँ, राइफल भी हो सकती है इसमें। आजकल जरूरत है मुझे कुछ हेटर्स, शॉट भी हो सकती है, और इसमें बास्केटबॉल भी हो सकती है। व्हाट इज द सेंस? नंचक्स हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। टेस्ला हो सकती है इसके अंदर, डब्बे के अंदर डब्बा हो सकता है, हो सकता है। मैं नहीं गेस कर सकता क्या हो सकता है इसके अंदर, चलो इसको खोल के देखते। अच्छा, अभी भी नहीं पता हमें क्या है इसके अंदर। फ्लेम थ्रोअर भी हो सकता है। ओ नाइस, उसकी शॉट है एनिमे वाले की टेंगन। मुझे हमेशा से चाहिए थी एक्चुअली। हाँ यार, अच्छा मारना नहीं है? अच्छा, मैं तो सोच रहा था अभी। बाकी के लोगों ने भी गिफ्ट दिया, ऐसी बात नहीं है, वो पैसों के फॉर्म में लोग कहना ना, एक ही गिफ्ट आया बेचारे के पास, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, फाइनल इनकी लुक है, जैसे आप चेक कर सकते हैं। दिल करा किसी को फाड़ दूं उस समय। है एक बंदा वैसे दिमाग में मेरे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर शीश, उन्होंने यार ये मेरी बर्थडे बड़ी मजे की होस्ट की, लाइक एक फन कराया, यू नो, दिस वाज अ रियली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। जरूर जब भी आप डैलस में शीश पे जरूर आप लोगों ने चक्कर लगाना है एक दफा, बिकॉज दिस इज द हब वेयर एवरीबॉडी कम्स। बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।